हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक एलईडी लाइट। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा वर्क करती है और काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, इस एलईडी लाइट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पीवीसी पाइप की इस तरीके की सीट को बना लेना है। दोस्तों, ये सीट आपको इस तरीके के पीवीसी पाइप को हिट करके काफ़ी आसानी से आप इसको बना सकते हो। अब दोस्तों, आपको इन सीट को कुछ इस तरीके से आपको चिपका देना है और एक डिब्बे टाइप का आपको बॉक्स बना लेना है। दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से एक डिब्बे टाइप का बॉक्स बना लिया है। अब दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके की एलईडी को ले लेना है। दोस्तों, ये एलईडी आपको मार्केट से मात्र 2 रुपये की एक मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं इसके अंदर 5 एलईडी को ही लगा रहा हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी एलईडी यहाँ पर लगा सकते हो। अब दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको इसमें होल कर लेने हैं और होल करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एलईडी को लगा देना है अच्छी तरीके से। दोस्तों, मैंने सभी एलईडी को कुछ इस तरीके से इस पीवीसी सीट के अंदर लगा दी है। अब दोस्तों, हम इसके कनेक्शन पर आते हैं। दोस्तों, कनेक्शन बहुत ईजी है। इनके कनेक्शन आपको पैनल में कनेक्ट कर देने हैं, यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव पर और पॉजिटिव को पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देने हैं। इस तरीके से दोस्तों, आपको कुछ सोल्डिंग कर देनी है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सोल्डिंग करनी है, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, हमारी सभी एलईडी के कनेक्शन कम्प्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों, आपको इस तरीके के 2 वायर लेने होंगे और दोस्तों, वायर लेने के बाद आपको एलईडी की नेगेटिव और पॉजिटिव पर सोल्डिंग कर देनी है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट ले रहा हूँ और दोस्तों, इस चार्जिंग सॉकेट को लगाने के लिए हमें इसके अंदर एक होल करना है। तो दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर होल कर देना है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको होल करना है। दोस्तों, हमारा यहाँ पर होल हो गया है। अब दोस्तों, आपको इस चार्जिंग सॉकेट को इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से लगा देना है। चार्जिंग इंडिकेटर के लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक एलईडी ले रहा हूँ और दोस्तों, उसकी पॉजिटिव वाली लेंथ पर मैंने 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया है, जिससे हमारी ये एलईडी खराब ना हो। अब दोस्तों, हमें इस एलईडी को यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे इसके अंदर यहाँ पर होल करना है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। अब दोस्तों, इस एलईडी को मुझे यहाँ पर लगा देना है। अब दोस्तों, इसकी जो नेगेटिव वाली लेंग है, इसको सॉकेट की नेगेटिव वाली लेंग पर आपको सोल्डिंग कर देनी है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको सोल्डिंग करनी है। एलईडी की पॉजिटिव वाली लेंग दोस्तों, आपको सॉकेट की पॉजिटिव वाली लेंग पर सोल्डिंग कर देनी है। अब दोस्तों, आपको एक डाइबोर्ड लेना है और दोस्तों, डाइबोर्ड की जो साफ वाली यहाँ पर लाइन है, इसको आपको सॉकेट की पॉजिटिव वाली लेंग पर यहाँ पर सोल्डिंग कर देनी है। दोस्तों, चार्जिंग सॉकेट के हमारे कुछ इस तरीके से सभी कनेक्शन हो गए हैं। अब दोस्तों, आपको 3.7 वोल्ट की एक बैटरी लेनी है। दोस्तों, इसकी बैटरी की जो नेगेटिव वाली लेंग है दोस्तों, इसको आपको चार्जिंग सॉकेट की नेगेटिव वाली लेंग पर कनेक्ट कर देनी है। अब दोस्तों, जो पॉजिटिव वाली लेंग है, इसको आपको डाइबोर्ड की यहाँ पर पॉजिटिव वाली लेंग पर सोल्डिंग कर देनी है। यहाँ पर दोस्तों, मैं इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक लोटरी को ले रहा हूँ। दोस्तों, इस लोटरी से आप इसको कम या तेज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों, एक आपको बार लेना होगा और दोस्तों, इसकी एक लेंग पर यहाँ पर आपको सोल्डिंग कर देनी है। और दोस्तों, सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों, आपको इस एलईडी की जो माइनस वाली लेंग है, इसको आपको इसकी दूसरी वाली लेंग पर अच्छी तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग कर देनी है। अब दोस्तों, इस एलईडी की जो नेगेटिव वाली लेंग है, इसको आपको चार्जिंग सॉकेट की नेगेटिव वाली लेंग पर सोल्डिंग कर देनी है। और जो दोस्तों, ये पॉजिटिव वाली लेंग है, इसको आपको चार्जिंग सॉकेट की पॉजिटिव वाली लेंग पर यहाँ पर डाइवोल्ट की जगह अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देनी है। दोस्तों, हमारे एलईडी लाइट के सभी कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों, हमें इस लोटरी के यहाँ पर एक होल करना है। दोस्तों, हमें इस लोटरी को यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों, हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर होल कर लेना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर होल कर लिया है। अब दोस्तों, हमें इस लोटरी को यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों, हमें काफ़ी अच्छी तरीके से इस लोटरी को यहाँ पर लगाना है। अब दोस्तों, आपको एक बोल्ट की मदद से यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर एक ग्लूगन ले रहे हैं। तो दोस्तों, ग्लूगन हम यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं, जिससे हमारा सेल यहाँ पर इधर उधर नहीं भागे। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस एलईडी लाइट को हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर बंद कर देना है। दोस्तों, हम इसको फेविक्विक की मदद से यहाँ पर चिपका रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको आपको चिपकाना है। दोस्तों, हमारी एलईडी लाइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों, हम इस एलईडी लाइट को टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं इस एलईडी लाइट का पहला पॉइंट ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी एलईडी लाइट वर्क कर रही है और काफ़ी अच्छी दोस्तों इसकी रोशनी है। आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है। दोस्तों, अब हम इसको रात में जलाकर देखते हैं
कैसा वर्क करती है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसका पहला पॉइंट दबाता हूँ, आप देख सकते हो फूल पर कितनी तेज इसकी ब्रेगनेस है। तो दोस्तों आप इसको बना सकते हो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर नई नई वीडियो मिलती रहेगी।